भाजपा के नेताओं को अभी से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डर लग रहा है। अब 23 जून को पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक से भाजपा और ज्यादा डर गई है। भाजपा पर यह कटास गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि 23 जून की होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 के पहले विपक्ष के एकजुट होने का ये बड़ा संदेश है। एक साथ 15 राजनीतिक दल आ रहे हैं, जो स्पष्ट संकेत है कि भाजपा को इससे डर लग रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है ना, और हम लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी अप्लाई किया हुआ है आईडी प्रूफ के। अपना भी नहीं, मेरा नहीं, मेरा तो कोर्ट में जमा। विपक्ष की जो बैठक होगी उसको लेकर बीजेपी मजाक उड़ा रही है। छोड़ दो छोड़ दो, विपक्ष उसको लेकर मजाक उड़ा रहा है कि ठीक है बैठक हो रहा है लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं, वो तय पहले ही कर देते, चुनाव क्यों करा रहे। ये सब बेकार की बात है, उनको कहने दीजिए ना। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए मत, अभी सब उनसे बात नहीं हो पाई, बाकी और सब लोग तो हारी है। तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियाँ हैं और कांग्रेस पार्टी के सब और सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो आ रहा है लीडर आ रहा है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल पता ही ना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी, और राहुल गांधी।